हेलो दोस्तों, स्वागत हम सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 29 जुलाई 2021, दिन गुरुवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे, सरकार ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन का जो त्योहार आ रहा है उसको लेकर एक बड़ी घोषणा की है, क्या है पूरा अपडेट में आपको बताऊंगा। वहीं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हमारे देश में अंतर्राज्यीय विवाद चल रहा है मिजोरम और असम के बीच, वो विवाद और भी बढ़ता ही जा रहा है, क्या है उस पर बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं जानेंगे राज कुंद्रा के डर्टी वीडियो केस को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर शिल्पा शेट्टी पर भी एक बड़ा खुलासा देखने को मिला। साथ ही नजर डालेंगे आज के ताजा मौसम समाचार पर, आज के सोना चांदी सराफा बाजार में क्या रेट चल रहे हैं वो भी जानेंगे। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है। आम आदमी के लिए कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट भी आ रहे हैं। तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिएगा। लेट्स मूव टुडेज फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज। देखिए बड़ी खबर, आधार कार्ड बनवाने को लेकर उदय ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदय जो है ना, उसने बच्चों का आधार बनवाने की प्रक्रिया में अब बदलाव किया। उदय का कहना है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज की जाने वाली स्लिप और माता पिता में से किसी भी एक के आधार कार्ड से अब बच्चे का बाल आधार बनवाया जा सकेगा, है ना। तो मतलब नन्हे मुन्ने जो नवजात बच्चे हैं उनका आधार बनवाने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया, और 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट की जरूरत को भी खत्म कर दिया। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, अगर बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी आपको 5 लाख रुपए तक की जमा राशि। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से ये ऐलान किया गया। हालांकि दोस्तों 5 लाख रुपए का इंश्योर्ड गारंटी जो है वो पहले से ही नियम था कि अगर कोई बैंक डूबता तो आपकी चाहे 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितने भी पैसे जमा है, लेकिन सरकार 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है, राइट। लेकिन इसमें पहले नियम ये नहीं था कि अगर बैंक डूबता तो 90 दिन के अंदर अंदर आपका जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड अमाउंट है वो मिल जाएगा, तो ये नियम अब इसमें ऐड कर दिया। DICGC एक्ट में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक का जमा पैसा आपको 90 डेज में मिल जाएगा। ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार दे रही है घर बैठे 15 लाख रुपए जीतने का मौका, आपको बस करना होगा ये काम। जी हां, शायद इस खबर के टाइटल को देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार मतलब 15 लाख रुपए, आप वो पिछली पुरानी बातों को इससे जोड़कर देखोगे, लेकिन इस प्लान का उनसे कोई लिंक नहीं है। ये सरकार ने एक नया कॉन्टेस्ट निकाला। देखिए माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है दोस्तों कि पुट ऑन योर क्रिएटिव हेड एंड स्टैंड अ चांस ऑफ विनिंग केस प्राइज ऑफ 5 लाख फॉर ईच कैटेगरी। यहाँ पर 3 कैटेगरी है 5 लाख की, टोटल 15 लाख रुपए का प्राइस है। आपको करना क्या है, पार्टिसिपेट इन नेम एंड टैगलाइन एंड लोगो कॉन्टेस्ट फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दरअसल बात कुछ यूं है ना, शुरू से समझिए, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, कांच की तरह क्लियरली मतलब टू द पॉइंट समझिएगा। दरअसल सरकार जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के लिए एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है, जिसका नाम होगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI, ये बनाने जा रही है, ठीक है ना। अब ये एक तरह का नया इंस्टीट्यूशन होगा सरकार का ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो अब इस नए इंस्टीट्यूट के लिए एक तो नाम की जरूरत है, एक टैगलाइन की जरूरत है और एक लोगो की जरूरत है, जो किसी भी ब्रांड नेम के लिए तीनों ही चीजें कंपलसरी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी देख लीजिए, जैसे कि एप्पल का लोगो क्या होता है आपको बताइए, थोड़ा सा कटा हुआ सेव, ये एप्पल का लोगो होता है। और इसकी टैगलाइन, जैसे कि एप्पल की टैगलाइन है थिंक डिफरेंट प्राइवेसी मैटर, ये एप्पल की टैगलाइन है। और एप्पल कंपनी का नाम क्या है, एप्पल इसका नाम ही है। तो इस तरह से आपको उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, सरकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए लोगो, नाम और टैगलाइन तीनों ही सरकार को सजेस्ट करनी है और सबमिट करनी है। और इसमें 5-5 लाख रुपए के तीनों के लिए प्राइस है, आप देख सकते हैं नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस है अलग अलग है, 5 लाख 3 लाख 2-2 लाख के तीनों कैटेगरी में, नाम टैगलाइन और लोगो तीनों के लिए 5-5 लाख के प्राइस हैं। तो आप भी चाहे तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर के ये प्राइस जीत सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बता दूं लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त 2021 है सबमिट करने की। ओके, तो ये मतलब सरकार की कोई योजना वगैरह नहीं है, ये तो एक कॉन्टेस्ट निकाला गया, इसमें भारत का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। ज्यादा डिटेल्स में आपको इसकी लिंक नीचे डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, पेटीएम IPO लॉन्च के साथ युवाओं को रोजगार भी देगा। पेटीएम ने घोषणा की है दोस्तों कि पेटीएम कंपनी जो है ना वो 20,000 नई भर्तियां निकालने जा रही है, 20,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव की भर्ती करेगा, 35,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। तो अच्छी बात है कि हमारे देश के कुछ बेरोजगार युवाओं को इससे रोजगार तो मिलेगा ना, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, ICICI लोम्बार्ड और डॉक्टर रेड्डीज ने साथ में एक पार्टनरशिप की है और भारत की पहली कैशलेस डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड सर्विस जो है ना वो आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा डिटेल्स आप
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, इस बार डिजिटल माध्यम से होगी देश में जनगणना। सेंसियस 2021 जो है ना वो पूरी तरह से डिजिटल करने की प्लानिंग बना रही सरकार। बाकी तो आपको पता होगा घर घर जाकर के मेंबर की काउंटिंग होती है, सर्वे होता है, और आजकल तो वैसे भी मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो सरकार जो है इस बार जनगणना में लोगों की जनसंख्या के आंकड़ों को जुटाने के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार करने की प्लानिंग कर रही है, और पूरी तरह से मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा और उस पर पूरी काउंटिंग होगी। कोरोना महामारी के कारण भी डिजिटलाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बार की जनसंख्या को कम्प्लीटली डिजिटल तरीके से करने की प्लानिंग है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग के लिए योनो लाइट ऐप में एक नया फीचर जोड़ा। दरअसल SBI का कहना है कि जो SBI का जो योनो ऐप आता ना उसको अपडेट किया है, और आप भी अपने प्ले स्टोर में जाकर के SBI योनो ऐप को अपडेट कर लें, क्योंकि नए अपडेट में आपको एक फीचर मिलेगा और वो फीचर ये होगा कि SBI योनो अकाउंट को कोई भी दूसरे फोन में एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर के सिम कार्ड आपके फोन में लग रही है ना, तो कोई भी दूसरा आपके बैंकिंग ऐप से लॉगिन नहीं कर पाएगा ना। तो ये एक सिक्योरिटी पेज का अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने प्ले स्टोर में जाकर के SBI योनो को अपडेट कर लें। ओके अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत दी है और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बहनों के लिए भी मुफ्त यात्रा की घोषणा की है ना। राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत सरकार ने दो खुशखबरी दी है। एक तो इस बार का जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इस मौके पर महिलाओं बालिकाओं को सरकार की ओर से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, और इसके अलावा किसानों को अलॉट की गई कृषि भूमि की बकाया किस्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज की राशि में 100% की छूट की तारीख जो है ना उसको भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। 31 दिसंबर तक मतलब किसानों को जो लोन वगैरह ले रखा ना KCC वगैरह में 31 दिसंबर तक आपका ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आया। अब नया मैसेज आने पर भी नहीं दिखेगा अर्काइव्ड चैट्स या अर्काउड चैट्स, जो भी कुछ कहो आप, अर्काइव्ड इसका सही उच्चारण ये है। तो दरअसल आपको बताओ व्हाट्सएप में एक अर्काइव करके ऑप्शन आता है, आप किसी भी चैट को अर्काइव कर देते हो तो वो चैट जो आपकी मेन चैट लिस्ट से गायब हो जाती है और अर्काइव्ड या अर्काइव्ड चैट की लिस्ट में चली जाती है, राइट। लेकिन जब भी अर्काइव्ड चैट में कोई भी नया मैसेज आता है तो वो वापस आपकी मेन चैट में शो होने लगता है अभी तक में। लेकिन व्हाट्सएप का जो नया अपडेट फीचर आया ना, उसमें आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे सेटिंग में जाकर के कि अर्काइव्ड चैट में अगर आपको नया मैसेज भी रिसीव होगा ना तो भी वो आपकी मेन चैट में शो नहीं होगा, वो अर्काइव्ड कैटेगरी में ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इससे आप अपने मतलब कोई स्पेशल प्राइवेसी चैट है किसी के साथ तो उसको एक हिडन तरीके से रख सकते हैं। ओके और अगली बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य में एक सरकार की नई पहल देखिए आप, सरकारी नौकरी करने वाले पुरुषों को देना होगा दहेज नहीं लेने वाला घोषणा पत्र। दरअसल दोस्तों केरल सरकार ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है और वाकई में सराहनीय भी है ये कदम। केरल सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि राज्य में दहेज निषेध अधिनियम 1961 का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया, और इस नए सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन है, कोई सरकारी नौकरी वाला है, तो उन पुरुषों को शादी के एक महीने के अंदर अंदर अपने संबंधित विभाग के प्रमुखों को एक घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने शादी में किसी तरह का कोई दहेज डोवरी नहीं लिया है, समझ रहे हो ना। और इस घोषणा पत्र पर कर्मचारी की पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकारी नौकरी वालों से मतलब दहेज बिल्कुल खत्म करने की प्लानिंग सरकार आगे कर रही है, और हमको भी दोस्तों जिंदगी में कभी किसी से भी दहेज नहीं लेना चाहिए, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य के सभी स्कूल जो है फीस में 15% की कटौती करें। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया, फिर चाहे प्राइवेट स्कूल हो या कोई सा भी हो। गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी फीस नामात्र की होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 15% तक फीस में कटौती रहेगी इस बार। कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया। ओके और अगली खबर देखिए आप, मिजोरम बॉर्डर पर जो 4,000 जवान तैनात करेगा असम, केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव भी बुलाए हैं। आपको बताओगे दोस्तों की बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर अंतर्राज्यीय विवाद चल रहा है, मिजोरम जिसका नाम मेघालय भी है उसके और असम दोनों राज्यों के बीच, और ये विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कल ही असम के एक और पुलिस कर्मी ने भी दम तोड़ दिया, दिल्ली में कल ही एक अहम बैठक भी हुई, कांग्रेस डेलीगेशन का बॉर्डर दौरा भी इस दौरान देखा गया, और अब तक कुल मिलाकर के असम के 6 पुलिस कर्मी शहीद हो चुके हैं, 60 करीब अभी भी घायल हैं। वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक तरफ जहां दोस्तों देश के बाहर बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के जवान हमारे अंदर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं, और दूसरे दुश्मन देशों से मुठभेड़ करके वो अपनी खुद की जान रिस्क पे डाल के हमारी रक्षा कर रहे हैं, और हम अगर अंदर ही बैठे बैठे लड़ रहे हैं तो ये तो उनकी मेहनत पर फिर पानी फेरने वाली बात हो गई कि वो तो बाहर के दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं अपनी खुद की जान दांव पर लगा करके, और हम अंदर ही अंदर खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। जरूर दोनों सरकारों को मिलकर के प्रेम से इस समझौते को कोई भी समस्या उसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हर एक चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। बाकी दोस्तों असम मिजोरम सीमा विवाद पर अब सुलझने की प्लानिंग बन रही है, MHA की बैठक में अहम फैसला हुआ, पैरामिलिट्री भी तैनात हो चुकी यहां पर, कल ही गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक हुई इस मुद्दे पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल सरकार 6,000
रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी है। देख सकते हैं आप हैशटैग घोषणा करके उन्होंने लिखा कि ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी कि ऐसे किसान भाई लोग जिनके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के भूपेश बघेल सरकार ने ऐलान किया कि वह ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी और ये मदद सीधे मजदूरों के बैंक खातों में दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार राज्य में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 1 अगस्त से 6 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें जो है वो बिहार राज्य में और शुरू होने जा रही है। लगभग 10-12 नई ट्रेनें, 6 जोड़ी का मतलब है ना। अब ये कौन कौन सी ट्रेनें, क्या इनका नंबर वगैरह रूट रहेगा, तो स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा राज्य में इस साल 15 अगस्त को दिखेंगी स्पेशल हल बैल वाली झांकियां और किसान भाई लोग भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने का भी ऐलान किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर जिंद में ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला किया। तो 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा ना अगले महीने, उस दरमियान किसान भाई लोग भी अपना आंदोलन और ज्यादा बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चीन जो है वो परमाणु मिसाइलों को स्टोर करने के लिए साइलो फील्ड बना रहा। सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें सामने देखने को मिली, देख सकते हैं आप। ये इस तरह के सील्ड है टेम्पररी कैंप और सपोर्ट फैसिलिटी जहां पर मिसाइलों का स्टोर किया जा रहा। और चाइना हो सकता है कि कोई ना कोई अंदरूनी साजिश रच रहा हो। ये तस्वीरें सैटेलाइट से कैच की गई हैं। अच्छा वहीं बड़ी खबर देखिए आप। डर्टी फिल्म के रैकेट में नया खुलासा देखने को मिला। राज कुंद्रा इंटरनेशनल लेवल पर 121 वीडियो को भी बेचने की तैयारी कर रहे थे। 9 करोड़ में एक डील हुई थी। अब ये एक नया खुलासा देखने को मिला राज कुंद्रा केस में। वहीं देखिए इस मामले में शिल्पा शेट्टी से भी 6 घंटे तक पूछताछ की पुलिस ने। एक्ट्रेस के घर पर ही सवाल जवाब हुए और उस दरमियान आरोपी राज कुंद्रा को भी पुलिस साथ लेकर गई थी। वहीं इस केस में कुंद्रा के ऑफिस पर भी रेड डाली गई। इस तरह के कंटेंट अपलोड करने वाले सर्वर को भी सीज कर दिया। एक ही दिन में 10-10 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करते थे राज कुंद्रा। लेकिन अब धीरे धीरे राज के राज खुलते जा रहे हैं और अब राज का राज भी खत्म होने जा रहा। जो लड़कियों के ऊपर राज करता था वो अब राज खत्म होने जा रहा। वही बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत देगी गुजरात सरकार, शुरू करेगी स्पेशल क्लिनिक, शाम को सिर्फ मजदूरों के लिए ही खुलेंगे। जी हाँ देखिए गुजरात सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। गुजरात के प्रमुख शहरों के उन इलाकों में जल्द ही संध्या क्लिनिक की शुरुआत होगी जहां पर कामगारों, दिहाड़ी मजदूरों और गरीब लोगों की बसावट है। इन संध्या क्लिनिक में सिर्फ इन्हीं लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये जानकारी गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बुधवार को दी है। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है कि शाम को मजदूरों के लिए स्पेशल क्लिनिक खुलेंगे, है ना। इससे उनको मतलब दिन में टाइम नहीं मिलता तो शाम को उनके क्लिनिक पर किसी दूसरे लोगों की भीड़ नहीं होगी, उनका काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा अब अपन नजर डालते हैं कुछ मौसम समाचार पर। देखिए बड़ी खबर आप। खतरे में है राजधानी दिल्ली। उफान पर यमुना नदी चल रही है। हथिनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट है कि 72 घंटे में राजधानी दिल्ली से पानी का सैलाब टकरा सकता है और कई इलाकों में भारी बाढ़ देखी जा सकती है। वहीं बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। 435 बांधों में एक बूंद पानी भी नहीं है। पेयजल सप्लाई वाले 6 बांध भी अभी सूखे हैं। राजस्थान राज्य में 60% बांध अभी ऐसे हैं जहां पर पानी भरा ही नहीं है। बिसलपुर बांध, टोंक का जवाई बांध, रायपुर लूनी, लहसी बांध, नंद समंद, स्वरूप सागर, उदयपुर वगैरह में शामिल है। ये सभी बांध जो अभी सूखे पड़े हैं। बड़ी ही दयनीय स्थिति है कि कई राज्यों में तो बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अभी राजस्थान के हालात क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बरेली में राम गंगा के बढ़ते जलस्तर से 300 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। 48 बाढ़ चौकियां बनाई गई और प्रशासन विभाग भी अलर्ट पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश बरेली में सदर, मीरगंज, आंवला, नवाबगंज, फरीदपुर इन तहसीलों के रामगंगा के किनारे बसे 300 ऐसे गांव है जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सूचना भी दी है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। करगिल में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान भारी पहुंचा और कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किश्तवाड़ की घटना पर मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जो मतलब जिन लोगों के बादल फटने की घटना के दौरान जान चली गई उनको 5-5 लाख रुपए की सरकार मुआवजा राशि देगी। वही बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का तांडव दिख रहा है। 7 लोगों के शव मिले, 8 लापता हैं। 2 एनएच समेत 183 रोड अभी हिमाचल राज्य में बंद है क्योंकि भारी बारिश के कारण अभी माहौल ही ऐसा बना हुआ है। हिमाचल में अब तक कुल भारी बारिश के चलते 14 लोगों की जान जाने की खबर है जबकि 4 अभी भी लापता है। वही देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है और किनारे बसे गाँव और मोहल्लों की धड़कने बढ़ रही है क्योंकि कभी भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर गई बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। महाराष्ट्र में भी मतलब भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई, लगभग 200 के लगभग, जो मैंने आपको बताया था। अभी जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी की किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, तो देखिए आप राजस्थान में मानसून ने 2 दिन का ब्रेक ले लिया। 30 जुलाई से फिर से राजस्थान में मानसून सक्रिय होगा और 31 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभी अगले 2-3 दिन में यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तो देखिए आप संपूर्ण भारत का 29-30 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है।
जी हाँ, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, दक्षिण बिहार, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप वगैरह, इन राज्यों में हल्के से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर क्या अपडेट चल रहा है, तो देखिए आप गोल्ड के दाम में फिर गिरावट देखी गई, चांदी भी 1000 रुपए से ज्यादा टूटी है। अभी सोने के रेट में 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, ठीक है ना, और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा 46,607 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1094 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट 64,779 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये रहा सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं कोरोना को लेकर कुछ अपडेट्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए आप, गुजरात राज्य में कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब नाइट कर्फ्यू को भी घटा दिया और वहीं शादी समारोह वगैरह इस तरह के फंक्शन में 400 लोग शामिल हो पाएंगे गुजरात में, है ना। अब कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। नाइट कर्फ्यू को भी अब रात 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कर दिया, जो कि पहले 10 से 6 था, है ना। तो ये गुजरात में फैसला लिया गया। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए, कोरोना गाइडलाइंस 31 अगस्त तक बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे देश में ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि जितने भी सरकार की तरफ से कोविड गाइडलाइंस लागू है ना, कि पब्लिक प्लेस पर जाना है तो आपको मास्क लगा करके ही जाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जाना है, ज्यादा लोगों को एक साथ खड़ा नहीं होना, ये सब कुछ जो भी कोविड गाइडलाइंस है ना, इनको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। यानी कि अब 31 अगस्त तक देश भर में ये कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू रहेगी, नई और पुरानी जो भी पहले भी थी वो सब। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान से यूएई जाने का इंतजार अब और लंबा होगा, क्योंकि अमीरात्स की उड़ानों पर 7 अगस्त तक बैन को बढ़ा दिया। 7 अगस्त तक आप संयुक्त अरब अमीरात की उड़ाने नहीं ले पाएंगे, है ना। साथ ही देखिए, एक सर्वे में इस बात का पता चला कि 48% अभिभावक हैं अपने बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगने तक स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। यानी कि आधे माता पिता लगभग ये नहीं चाहते कि वो उनके बच्चे जो है स्कूल जाए, क्योंकि अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए हर एक माँ बाप को डर होता है कि कहीं स्कूल में जाकर के बच्चा संक्रमित ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, है ना। तो अभी बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन पर ट्रायल वगैरह चल रहा है, एम्स वगैरह में भी, मैंने आपको हाल ही में अपडेट बताए थे। तो उम्मीद है हमें अगस्त सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए भी देखने को मिलेगी और जल्द ही बच्चों का भी टीकाकरण होगा और उसके बाद रेगुलर स्कूलें वापस खुल सके, यही हम सब उम्मीद करते हैं। बाकी भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 43,132 नए मामले देखे गए, जबकि 632 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 3,97,000 चल रही है और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,22,000 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर फटाफट से। देखिए आप, राजधानी दिल्ली की ये मशहूर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है बंद होने जा रही है, 45 साल में इसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई। दरअसल दिल्ली की करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट अब टूटने जा रही है, पूरे मार्केट को मतलब एक बार खाली करा करके वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, हिसार में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट, 946 करोड़ रुपए होंगे खर्च, हरियाणा हिसार में, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये घोषणा की गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 26 जनवरी को कुछ नहीं हुआ, बोले राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को दिल्ली में फहराएंगे झंडा, 5 गज जमीन हमें दे दो, किसान आंदोलन को लेकर खबर है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही, 3,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए, यानी कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को नौकरी से ही निकाल दिया गया, सेवा प्रदाता कंपनी GVK ने। वही बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया, बिहार के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यूपी के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर जो हादसा हुआ उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणा की गई है। वही बड़ी खबर देखिए, कारोबार करना अब और आसान होगा, क्योंकि इसको आसान बनाने को लेकर 12 अपराध गैर आपराधिक घोषित होंगे। LLP एक्ट में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इससे कुल मिलाकर के काम धंधा, कारोबार, बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान होगा। साथ ही देखिए, राजस्थान के सभी जिला चिकित्सालयों में अभी हेपेटाइटिस रोगियों के निःशुल्क जांच व उपचार हो रही है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, NPS सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है, अब एन्यूटी सरेंडर के मामले में PFRDA के बजाय बीमा कंपनियां इस मामले को सेटल करेगी, निपटाएंगी। PFRDA ने कहा कि एन्यूटी सरेंडर रिक्वेस्ट के निपटारे के लिए अब उसके सेंट्रल रिकॉर्ड्स कीपिंग एजेंसी या नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए, कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने शपथ ली है, राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। इससे पहले आपको बता होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, स्टूडेंट्स का जारी होगा डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड, बिहार में इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जाम 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है, 28 जुलाई से 5 अगस्त तक समिति की वेबसाइट पर सब कुछ डिटेल्स अपलोड कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड की
तैयारी शुरू हो चुकी है, ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, मोदी सरकार इस तरह का प्लान बना रही है कि होम इंश्योरेंस स्कीम लाई जाए। 500 रुपए प्रीमियम पर आपको भूकंप, बाढ़, इस तरह के नुकसान का कवर मिल सकता है, यानी कि आपके घर का इंश्योरेंस होगा। इस तरह की स्कीम सरकार ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की प्लानिंग चल रही है। अगर भूकंप, बाढ़ से आपके घर को किसी तरह का नुकसान होता है तो 3 लाख रुपए तक का आपको कवरेज मिलेगा। वहीं 3-3 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर फैमिली के 2 मेंबर को भी मिलेगा। तो देखते हैं सरकार कब तक इस तरह की स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। साथ ही देखिए खेल समाचार को लेकर अपडेट है। श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। 19वें ओवर में भुवनेश्वर की बॉल पर करुणा रत्ने के सिक्स ने मैच को पलट कर रख दिया। डी सिल्वा ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली। ये देख सकते हैं आप भारत और श्रीलंका के बीच जो T20 सीरीज के वनडे मैच चल रहे हैं उसको लेकर स्कोर बोर्ड भी आप स्क्रीन पर दिया हुआ है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, गुजरात सरकार ने प्राइवेट लैब्स में RT-PCR टेस्ट की दरों में कटौती की है, यानी कि कोरोना की जांच के रेटों में कटौती की है गुजरात सरकार ने। अब सरकार के फैसले के मुताबिक प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट अगर आप करवाते हो तो 700 रुपए पहले रेट थी, उसकी बजाय अब आपको सिर्फ 400 रुपए ही देने होंगे। वही देखिए भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि फिर चांद पर कदम रखने जा रहा भारत। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की प्लानिंग चल रही है। कल ही लोकसभा में इस बात को लेकर भी बातचीत हुई और साल 2022 तक हमारे भारत का मिशन चंद्रयान 3 जो है इसरो लॉन्च कर सकता है। मेनी बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। ओके, इसी कड़े में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ दोस्तों, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार एप्पल 11 आईफोन प्रो मैक्स, आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो रात में चमकता है, जिसमें लाइट की तरह रोशनी दिखती है रात में। मुझे उसका नाम नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक 11 प्रो मैक्स आईफोन, आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।